हेलो डियर लीडर्स, अभी मैं आपको डिपॉजिट करने के लिए बताता हूँ कि C98 मैजिक नेटवर्क में अपनी आईडी का रजिस्ट्रेशन के बाद में डिपॉजिट कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको C98 चाहिएगा, जितनी वैल्यू जितने डॉलर के आपको एक्टिवेट करने हैं उतनी वैल्यू के टोकन आपको चाहिएंगे। देन गैस फीस के रूप में BNB आपको चाहिएगा, ठीक है। देन आप डिस्कवर पर जाएंगे, डिस्कवर पे जाएंगे और अपना यूआरएल पेस्ट करेंगे। यूआरएल पेस्ट करने के बाद में अपनी आईडी को ओपन करेंगे। सबसे पहला काम जो होगा आपका, वो वॉलेट फ्रिक्वेंसी पे जाके आप अपना पिन सेट करना होगा। नीचे नीचे है, योर पिन हैज़ बिन ऑलरेडी बिन सेटअप, ये मैंने ऑलरेडी कर लिया है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। अदरवाइज यहाँ पे आएगा सेट योर पासवर्ड, तो आप अपना 6 डिजिट से लेके मैक्सिमम कितना भी बना सकते हैं, मिनिमम 6, और स्पेशल आप बना लीजिएगा डिजिट मैथ 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से सीरियल में कोई भी ना बनाए, ये स्पेशल फॉर सजेशन। और अगर कोई ऐसा रीलोड करने का आता है तो रीलोड का ऑप्शन है ऊपर, मान लो कोई एरर आता है या फिर ऐसा आता है तो रीलोड कर लें अपना, ठीक है। आपने पिन सेट कर लिया, उसके बाद में आप साथ में अपना वैलेट को भी कॉपी कर लें, एड्रेस को, ये आपका रिसीव एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद में मेक पुल्स पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको जितने डॉलर से एक्टिवेट करनी है उतने डॉलर आप लिखेंगे। जैसे मान लो मेरे को 30 डॉलर से करनी है तो 30 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने जो है अपना एड्रेस पेस्ट कर दिया। देन मेरा सिक्योरिटी पासवर्ड जो था वो मैंने यहाँ डेली एड्रेस डाल दिया। देन डिपॉजिट नाउ, मेरे को ये वैल्यू दिखा देगा कि मेरे मैन वैलेट से कितने कटने वाले हैं और फ्री C98 मेरे टोटल कितने यूज़ होंगे। डिपॉजिट नाउ हम करेंगे, प्रोसेसिंग हो रहा है, उसके बाद में इसको कंफर्म करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा डियर एड्रेस, ये देखिए मैंने मेरा पासवर्ड डाल दिया और कंफर्म किया इसको। अब ये प्रोसेसिंग हो रहा है, इसको होने दीजिए। जैसे ये कंप्लीट होगा देन अगेन ये अब ये ब्लॉकचेन पे जाएगी ट्रांजैक्शन, दोबारा से एक बार पासवर्ड मांगेगा आपको। दोबारा से ये मांगा और कंफर्म कर दिया। अब आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ऊपर सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा डियर लीडर्स। ये प्रोसेसिंग हो रहा है, ये देखिए आप प्रोसेसिंग चल रहा है और आपका ये ब्लॉकचेन के ऊपर जाएगी ट्रांजैक्शन। आपको इसका ट्रांजैक्शन हैश वगैरह ये देखिए, ट्रांजैक्शन भी सक्सेसफुल कंप्लीटेड, ठीक है। अब आप इसको देख कहाँ सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई क्या। मैंने 30 डॉलर से किया था तो ये माय इन्वेस्टमेंट, ये एक्चुअली मैंने री इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्ट करेंगे वो यहाँ देखेंगे। आप 30 से किया था मैंने तो ये 30 मिलेगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी किया हुआ था 10 का, इसलिए ऐसा है। 30 को देखना है तो री इन्वेस्टमेंट में चला गया है, ये टोटल री इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आएंगे हम लोग तो ये देखिए ऊपर 30 आ गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस आईडी इज़ एक्टिवेटेड फॉर $30।